नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 जिस दिन लॉन्च हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जूलियन बीच पर एक बहुत ही रहस्यमय चीज देखने को मिली थी, जिसे देखने के बाद लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं वो चंद्रयान 3 का कोई मलबा तो नहीं। ये रहस्यमय टुकड़ा कई दिनों तक लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। कई लोगों ने संभावना भी जता दी कि ये चंद्रयान 3 का मलबा ही हो सकता है, लेकिन अब स्पेस एजेंसी इसरो ने इस बात को खारिज कर दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी और इसरो ने भी एक तरह से चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब इसरो ने इस रात से पर्दा हटा दिया है। करीब 2 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलियाई समुद्र के पास पाए गए इस रहस्यमय टुकड़े का सच अब सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 को जिस PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था ये उसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने बताया है कि वह गुंबद नुमा ऑब्जेक्ट जो समुद्र तट के किनारे पर पाया गया है वो भारतीय रॉकेट का मलबा है। ऑस्ट्रेलिया एजेंसी ने कहा कि यह तीसरे स्टेज पर अलग हुआ PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने अंदाजा लगाया है कि हो सकता है वायुमंडल में वापस गिरते समय रॉकेट का एक हिस्सा पूरी तरह से न जला हो और समुद्र में जाकर गिर गया हो, जिसके बाद यह ऑस्ट्रेलियाई तट की ओर बहकर चला आया हो। लेकिन भारतीय एजेंसी ने कहा है कि यह भारत का भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यह भारत का ना हो। जब तक इस ऑब्जेक्ट का परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक यह बताना काफी मुश्किल है कि यह भारत का ही है। फिलहाल इस टुकड़े को ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने जमा करके रख लिया है। इस 2 मीटर ऊंचे टुकड़े को एक स्टोरेज में रखा गया है। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर अभी इस पर और भी काम करने वाली है। फिलहाल अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 चांद के हाईवे पर पहुंच चुका है और 5 अगस्त की शाम को वह चांद के ऑर्बिट में प्रवेश भी कर जाएगा।